बाबा साहब की शादी विवाह के वे पल हर व्यक्ति के जीवन के सबसे यादगार व महत्वपूर्ण पल होते हैं जब वह किसी से शादी करते हैं। ये एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे को भरोसे का अनुभव देते हैं और हमारे करीबी दोस्त और नागरिक उसमें शामिल होके उन्हें आगे के जीवन की प्रेरणा देते हैं। मगर बाबा साहब के साथ ऐसा नहीं था, यहाँ भी उन्हें अपनी जाति का ध्यान रखना पड़ा था। आइए आज हम आपको बताएंगे बाबा साहब के विवाह की कहानी। विवाह के समय बाबा भीमराव अम्बेडकर 17 वर्ष के थे और उनकी पत्नी रमाबाई 9 वर्ष की थी। रमाबाई के पिता दपोली में कुली का काम करते थे। विवाह का स्थान बहुत अद्भुत था। विवाह की सभी रस्में मुंबई की भैखाला मच्छी मार्केट में पूरी की गई थी। रात को दुकानें बंद होने के बाद बारात इसी मंडी में पहुँच गयी। लड़की के माता पिता एक कोने में और बारात दूसरे कोने में अपना अपना काम कर रहे थे। इस मार्केट में एक गंदा नाला बहता था। इस गंदे नाले के ऊपर बने हुए एक थड़े पर शादी की रस्म पूरी की गई। दुकानें खुलने से पहले शादी की सभी रस्में पूरी कर ली गई और शादी को समाप्त कर दिया गया। ये शादी किस अनुभव से की गई? शादी का ये पल कैसे रहे? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।